मैं प्रिया सिंह पीनस के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं बिहार की खास खबरों की ओर। बिहार में रिकवरी दर 83.74% हुई। 1444 नए कोरोना संक्रमित मिले, मृतकों की संख्या 444 हुई। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीज के स्वस्थ होने के दर में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। मंगलवार को संक्रमितों की स्वस्थ होने के दर बढ़कर 83.74% हो गई। एक दिन पूर्व यह दर 82.15% थी, जबकि 15 अगस्त को स्वस्थ होने के दर में 67.37% थी। पिछले 10 दिनों में 16.37% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बिहार में 144 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,24,827 हो गई है, जबकि 17 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 644 हो गई है। पटना में सर्वाधिक 269 नए संक्रमित मिले। पटना में सर्वाधिक 269 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। वहीं अररिया में 76, अरवल में 4, औरंगाबाद में 27, बांका में 7, बेगूसराय में 46, भागलपुर में 55, भोजपुर में 20, बक्सर में 14, दरभंगा में 27, पूर्वी चंपारण में 23, गया में 47, गोपालगंज में 30, जहानाबाद में 14, कैमूर में 9, कटिहार में 24, खगड़िया में 10, किशनगंज में 85, लहरियासराय में 38, मधेपुरा में 32, मधुबनी में 64, मुंगेर में 5, मुजफ्फरपुर में 80, नालंदा में 27, पूर्णिया में 34, रोहतास में 39, सहरसा में 44, समस्तीपुर में 30, सारण में 44, शेखपुरा में 12, शिवहर में 14, सीतामढ़ी में 21, सिवान में 11, सुपौल में 29, वैशाली में 31, पश्चिम चंपारण में 71 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। एक दिन में हुए 75,385 सैंपल की जांच। बिहार में एक दिन में 75,385 सैंपल की जांच। पटना के जिस मंदिर में आखिरी बार सुशांत ने की थी पूजा, जल्द न्याय के लिए उनके फैंस ने वहां हवन पूजन किया। सुशांत सिंह राजपूत को जल्द से जल्द न्याय दिलवाने के लिए उनके फैंस ने मंगलवार को राजीव नगर रोड नंबर 6 में हवन पूजन किया। पूजा राजीव नगर रोड नंबर 6 स्थित उसी आदि देव मंदिर में की जहां पटना आने पर सुशांत जाया करते थे। जस्टिस फॉर सुशांत के बैनर तले की गई पूजा पाठ के दौरान स्थानीय लोग भी शामिल थे और सुशांत को न्याय मिलने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। जस्टिस फॉर सुशांत के प्रभारी विशाल कुमार राजपूत ने कहा कि इस मंदिर से सुशांत को बेहद लगाव था। वे जब भी पटना आते थे यहाँ पूजा करने आया करते थे। पिछली बार भी जब वे आखिरी बार पटना आए थे उस वक्त भी सुशांत इस मंदिर में पहुँचे थे। विशाल ने बताया कि हवन के दौरान सभी लोगों ने मुंबई जांच करने गई सीबीआई अधिकारियों को शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए भगवान से प्रार्थना की। लोगों का कहना था कि जब तक सुशांत को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम पूजा पाठ।